हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं तालाब है यहाँ पर बड़ा सा, इसको झारीबंद बोला जाता है। यहाँ पर मछली पकड़े जाएंगे और बहुत सारे लोग आए हुए हैं मेरे गांव से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे में, खोद रहे हैं पानी को निकालने के लिए। यहाँ पर पानी कभी सूखता नहीं है, हर मौसम में भले पानी घट जाता है, 12 महीने यहाँ पानी रहता है। और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, हम लोग भी आते हैं। यहाँ से मेरा गांव थोड़ा दूर है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे देखा जाए तो अभी के सीज़न में, जैसे धूप का सीज़न है, तो मछली नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन नहाने के और भी बहुत सारे जगह हैं, इसीलिए पकड़ा जा रहा है। गांव में बहुत सारे जगहें हैं जहां पे नहाने का सुविधा है, यही कारण है कि यहां पे मछली पकड़ा जा रहा है। और यहां पर पानी सूखता भी नहीं है, मछली पकड़ेंगे क्योंकि पानी बहाया जाएगा तो तुरंत ही भर जाता है। यहाँ पे पानी रिसते रहता है, मतलब पानी झरना की तरह ऊपर तरफ है, पानी निकलता है। उस समय झरना नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर तरफ जो जगह है वो सब दलदल टाइप का है, तो पानी निकलते रहता है। यही कारण है कि तुरंत पानी भर जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। और सामने एक पहाड़ है, इस पहाड़ में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, ज़्यादातर भालू रहते हैं। हाल ही में एक बगल वाला गांव में 2 इंसानों को भालू ने नोच दिया था बुरी तरह से। वो लोग हाल चलाने के लिए गए हुए थे सुबह सुबह, जान तो लिया नहीं लेकिन घायल कर दिया। एक बस्ती है छोटा सा, यहाँ पर 4-5 घर है, यहाँ पर नल चपाकल ख़राब है, इसीलिए लोग बगल में कुआं टाइप का बनाया गया है, वहीं से पानी ले जाते हैं खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ मैंने दिखाया आप सबको, जंगल है ऊपर और इधर भी है, इधर से अक्सर हाथियों का आना जाना होता है। अभी वो लोग दूसरे तरफ चले गए हैं, इधर नहीं है। तो ये वाला रास्ता आप कुछ दूर जाएंगे तो आप उड़ीसा में प्रवेश करेंगे, तो हम लोग फिलहाल अभी झारखंड में हैं। अभी खेतों में धान काट चुके हैं ना, तो इधर हाथियों का कोई भय नहीं है। वो लोग दूर दूसरे जंगल, घने जंगलों में चले जाते हैं, जब धान सब होता है उस वक्त आते हैं और धान सब को चट जाते हैं। इसीलिए लोग अपने धान की रक्षा के लिए रात रात भर जागे रहते हैं। इसे कुछ दिखा है शिकार के लिए, पशु पक्षी जानवर पता नहीं क्या दिखा। तो इस तरह से जानवर की क्या दिखा था, ये भाग गया है, इसका शिकार हाथ से निकल चुका है। हाथ में गुलाल लिए, पैरों में एब्लोन लिए, ताकि वो तेज़ी से अपने शिकार के पीछे भाग सके और उसके पकड़ सके। इस तरह से जगह सब है, बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं
हरा भरा। इनसे बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, यहीं से हमें पानी लेके जाना है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग यहीं से पानी लेके जाते हैं पीने के लिए और खाना सब्जी पकाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी सूखता नहीं है। यहाँ पर हम लोग भरपेट पानी पियेंगे और बोतल में लेके जाएंगे। वहाँ पे जो लोग हैं ये नेचुरल वाटर है, एकदम मस्त ठंडा कूल कूल पानी। यहाँ की खूबसूरती के दर्शन कीजिए आप सभी। मैं वीडियो बना रहा हूँ और पीछे वाला मेरा वीडियो बना रहा है। अभी मैं उसका भी वीडियो बना रहा हूँ, तो बदला ले लिया मैंने। और यहाँ पर शुद्ध हवा में हम लोग सांस लेते हैं, गांव में रहने के यही एक फ़ायदा है। कोई प्रदूषण नहीं यहाँ, यहाँ पे ना कंपनी है, ना गाड़ी घोड़ा आना जाना होता है, ना ही धूल मिट्टी कण कुछ भी आपको दिखेगा। बस यहाँ पर आप हर जगह शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। यही बात है, शहरों में और गांव में यही फ़र्क मुझे नज़र आता है और इसीलिए मुझे गांव में अच्छा लगता है। वैसे शहर भी बुरा नहीं होता है। तो ये तो हम सारे लोग भरपेट पानी पियेंगे, उसके बाद बोतलों में पानी भर के लेके जाएंगे उन लोगों के लिए। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा दोस्त है, पानी पी रहा है, बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब मैं भी पी के देखता हूँ, चेक के देखता हूँ कैसा लगता है। एक घूंट में एक बोतल, दस रुपये का पानी खत्म। इसको फिर से लेके आओ, ले ले इसको पियो। पियो नहीं 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 पिया, पियो पियो। इतना पानी थोड़ी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। हेलो कथा नहीं कीजिए मोन। अरे क्या फुर फुर कर रहा है पी पी के, खतरा बच्चा है। वाह पका वाला मिला, छोटा सा है, छोटा सा अपने आप मिल गया था।